और MBA in marketing complete किया, engineering in medical field that is bioinformatics, और अभी के समय में मैं एक medical device company से associated हूँ जो कि German based company है, ओवेस्को एंडोस्कोपी. और मैं मतलब as my profile doctors training and all wholehearted you know medical support to you know hospital fraternity and all those medical fraternity and people I do it. As a sales manager, India, South Asian country and Middle East countries मैं देखता हूँ, तो मेरा इस role से designation से इतना तो समझ में आता है कि मैं Bangalore में शायद ही रहता हूँ. So it is all over traveling and transporting myself to other people, going and doing all kind of training. ये लेट्स इंस्पायर बिहार, आई थिंक मुझे मोहन कुमार झा, उन्होंने मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा एंड मेरे प्रोफाइल देखने के बाद ही फेल्ट दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप बीइंग बिहारी एंड बीइंग माय प्रोफाइल. सो देन ही एडेड मी एंड देन इट वाज रियली गुड टू इंटरेक्ट विद मेनी ऑफ द पीपल. मोर देन 500 पीपल आर देयर इन द ग्रुप, लेट्स इंस्पायर ग्रुप इन बैंगलोर चैप्टर. ये मेरा पहली बार है कि मैं इन लोगों के साथ आके इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप एंड आई विश that I will be getting a lot of new learning and opportunities to be with such people. तो ये बहुत अच्छा एक platform है, समझना है, देखना है कि अब इसमें हम अपना सहयोग क्या दे सकते हैं and which definitely I will be trying to do it at my best. Thank you so much. धन्यवाद for your kind word. मैं मूलतः दरभंगा का रहने वाला हूँ. पिछले 11 साल से मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज में हूँ, फिलहाल बेंगलोर में पिछले 5 सालों से हूँ. और लेट्स इंस्पायर बिहार में आने का मुख्य स्रोत और प्रेरणा श्री विकास वैभव भी हैं और उनका जो उद्देश्य है शिक्षा, समता और उद्यमिता, वो हम सब बिहारी का उद्देश्य है. और मैं जुड़ना चाहूँगा और जो भी हो सकेगा मुझसे मैं करना चाहूँगा. आप सबका सहयोग चाहिए तभी हम बिहार को बढ़ा पाएंगे. धन्यवाद. बिहार में मैं मिथिला से आती हूँ, सहरसा जिला. तो जय बिहार जय मिथिला. 2006 में मैंने NSS ज्वाइन किया था, उसके बाद से मैं सोशल वर्क में एक्टिव थी. फिर मिथिला के लिए कुछ करने का सोचा तो फिर मैं सोशल एक्टिविस्ट हो गई पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए, चाहे वो ये दरभंगा का ये एयरपोर्ट हो, दरभंगा एम्स हो, पूर्णिया एयरपोर्ट हो, जितने भी वहाँ के बेसिक जो भी नीड्स हैं उन सब के लिए मैं काम कर रही हूँ. साथ में मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट का भी काम कर रही हूँ और अभी मैं मिथिला के कल्चर को लोगों तक पहुँचाने के लिए बुक लिखने की कोशिश कर रही हूँ. और सच में बेंगलोर में मैं पिछले 8 सालों से हूँ, मगर किसी को जानती नहीं, कोई भी पहचान नहीं कि अपने एरिया का कुछ हो. मगर लेट्स इंस्पायर बिहार के तरफ से मुझे पता चला कि इतने सारे लोग रहते हैं और हम किसी से नहीं मिले हैं, किसी को नहीं जान रहे. तो इसी बहाने सबसे मुलाकात होगी, सबको जानेंगे. धन्यवाद. नमस्कार भाई और बहनों, मैं लगभग साउथ इंडिया आया था 12 साल पहले एक नाम लेके अमित, लेकिन अब पता नहीं कनाडा में कभी तमिल में लोगों ने दोस्तों ने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन बिहार दिल से छूटता ही नहीं है. क्या करें, नौकरी करते हुए बहुत कुछ किया और बहुत से सेक्टर में काम करते हुए फिर लास्ट में सोचा कि कुछ बिहार के लिए किया जाए. और लास्ट ईयर 2021 अक्टूबर में मैंने पहली बार एक रेस्टोरेंट होटल चेन की स्थापना की अपने बिहार अपने सारण में. और वहाँ से मैंने शुरू की, बहुत कठिनाइयाँ आई शुरू में, बहुत सारी मुसीबतें आई. आज ये मुसीबत आ गई कि वहाँ चलाते हुए मुझे खुद नौकरी करना पड़ रहा है. लेकिन यही है, बिहार से जो मोह है वो छूटेगा नहीं और जब तक जीवन है तब तक उसी के लिए जीना है. बाकी हम लोग सब मिल रहे हैं, सब कोई अच्छे हैं और अच्छे रहने भी चाहिए. और यहाँ तो हम जुड़ गए प्रवीण जी, प्रवीण पांडे जी हैं और अपने अभिषेक जी से, तो थोड़ा अपने लोगों से मिलना हो जाता है. ऐसे प्लेटफॉर्म पे बोलने की आदत नहीं है, बस मस्त है इसी में कि कुछ बिहार के लिए कर दे और अपने लिए भी कर ले. उसी मतलब फिराक में कहें अपने भाषा में कि उसी फिराक में है कि कुछ दे दे इस बिहार को और ले ले इस बेंगलोर से. प्रभात, मेरा नाम देव है एंड मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. मैंने
मेरी जन्म यहीं हुई है, लेकिन मैं पश्चिमी चंपारण बिहार से हूँ। गांव का नाम दुधामठिया है। यहाँ जन्म लेके लोग ये सोचते हैं कि मैं गांव से दूर हो जाता हूँ, लेकिन मैं अपने माता पिता को ये थैंक्स कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे टाइम टू टाइम गांव भेजा है, रूट से कनेक्ट करने का ट्राई किया है। और अपने बारे में बताऊँ तो मैंने 8 महीना सैमसंग R&D में काम किया है, और अभी प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस लीड कर रहा हूँ एक फिनटेक स्टार्टअप में, विच इज़ बेस्ड आउट ऑफ IT दिल्ली। एंड लेट्स इंस्पायर बिहार एक काफ़ी अच्छा यूनिक प्लेटफॉर्म है। इट हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट, इट हेल्प्स अस टू नेटवर्क एंड नो ईच अदर, राइट? एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी ऑल हैव टू डू बिफोर डूइंग एनी पार्ट ऑफ इट। एंड मैं देख रहा हूँ, लेट्स नेटवर्क एंड लेट्स कम्युनिकेट। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू। अनुपमा भी आई है, वो भी बैचमेट है, वो बताएगी अपने बारे में। पढ़ाई मेरी पटना में हुई, और फिर IIT कानपुर, फिर टाटा में नौकरी की, अभी मैं इन्फोसिस में हूँ। और विकास के बारे में मैं कुछ बात करूँगा कुछ समय के बाद, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी एडेड हूँ। कुछ काम के सिलसिले में बहुत कुछ देख नहीं पाया उसमें, लेकिन जो उत्साह आप लोगों ने दिखाया है, दिस इज़ कमेंडेबल, बहुत ही अच्छा। आई थिंक एवरीबडी शुड बी यू नो अप्रिशिएटेड फॉर दैट। सब लोग जो है बहुत ही मेहनत कर रहे हैं, और आई थिंक आने वाले दिनों में LIB में बेंगलोर चैप्टर जो है वो डेफिनेटली वो चैप्टर जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है LIB के हिस्ट्री में होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। बिहार की बेटी, जहाँ भी जाती हूँ अपना इंट्रोडक्शन पहले बिहार की बेटी कह के देती हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट, राइट? द काइंड ऑफ कल्चर एंड एथिक वी हैव गॉट फ्रॉम बिहार, राइट? दैट्स आई मीन यू कांट कंपेयर दैट विद एनीवन। सो राकेश ने जैसा बताया, बिहार में पढ़ाई करके 10th 12th तक करने के बाद मैं IIT कानपुर से पढ़ाई की, विकास वैभव की बैचमेट हूँ। उसके बाद से इन्फोसिस, हनीवेल, इंटायर वर्ल्ड देखा, फिर लगा कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए, वापस आ गए। और पिछले 8 साल से मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, डिफरेंट बिजनेसेस के। अभी जो बिजनेस है मेरा, वो हम लोगों ने वॉइस AI पे इंडिया का फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। वी आर हेल्पिंग कॉरपोरेट्स, हाई ग्रोथ कंपनीज फॉर सेल्स हायरिंग, उनकी वॉइस सुन करके उनकी सेल्स स्किल्स निकालते हैं। सो दैट्स वेरी यूनिक राइट नाउ, द फर्स्ट इन इंडिया। एंड हमारे पास अभी 300 कंपनीज हैं, मोस्टली बैंक्स, हु आर यूजिंग आर प्लेटफॉर्म। तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ साथ में चल रहे हैं। विकास के साथ जुड़ के इस कॉन्सेप्ट पे लेट्स इंस्पायर बिहार, कोई है जो हम लोग को, बिहारियों को बांध रहा है एक चीज़ में, ये बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग सब लोग हमेशा वी फेल्ट प्राउड कि हम लोग इतने अच्छे, हमारे पूर्वज रहे, इतनी अच्छी हिस्ट्री रही, बट कहीं ना कहीं हम लोग भूलते जा रहे थे उसको। सो विकास का ये कॉन्सेप्ट जो एक आह्वान लेके आया है कि लेट्स इंस्पायर बिहार, रियली कमेंडेबल। एंड वी डोंट नो कि आज ही रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, बट सब जुट गए हैं तो आएगा ही, दैट इज़ फॉर श्योर, राइट? बिल्कुल, थैंक यू। कुछ ना कुछ होगा, राइट? एक ही दिन में पूरा सैटेलाइट हम लोग नहीं बना पाए थे, राइट? थोड़ा थोड़ा बनते बनते कुछ ना कुछ तो कर ही डालेंगे, और बिहारी लोग ठान लिए तो हो ही जाएगा, राइट? दैट्स फॉर श्योर, अगर हम लोगों ने ठान लिया है कुछ तो कर डालेंगे। वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा लगा। LIB में ऑर्गेनाइजिंग टीम में हूँ, अपने थोड़ी बिजी शेड्यूल से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, बट एज राकेश सेड, इतनी अच्छी एनर्जी, इतना अच्छा सहयोग सब लोगों ने मिलके दिया है। चलो चेक, 1 2 3 चेक चैप्टर। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ऐसे हूँ, और वहीं से पोस्ट ये ग्रेजुएशन किया था फिजिक्स में, फिर मैं फुटवेयर में चला गया, मैनेजमेंट किया फुटवेयर डिज़ाइन में। थोड़ा यूनिक है, बाकी तो सब लोग कोई IIT से कोई कहीं से, पहला आदमी जो जूते की पढ़ाई कर रहा है और बाद में खाया भी, ठीक है। फिर वहाँ से अलग अलग जगह काम किया, सिंगापुर में था, फिर इंडोनेशिया में था, फिर चाइना में रहा 15 साल, फिर वहीं अपना काम शुरू किया और एक फैक्ट्री खोली, और फिर अब यहाँ भी कुछ कर रहे हैं मेक इन इंडिया के अंदर में। और ये एक छोटा सा प्रयास है, और उस समय हालांकि सबसे पहले सोचा था कि बिहार में फैक्ट्री लगाएं, लेकिन उस समय आई थिंक 2018 की बात है, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे उस समय कि वो उस लेवल की फैक्ट्री वहाँ पे लग पाती, तो वो फैक्ट्री अभी उड़ीसा में लगाई। आगे देखते हैं फ्यूचर कैसे लेता है, क्योंकि अब थोड़ा सा दिख रहा है, चीज़ें हो रही है, बहुत पॉजिटिव साइड और अवेयरनेस भी आ रही है,
तो बस यही है, ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि हमेशा से मैं कहीं कोने में दुबका रहा, चाइना जैसी कंट्री में जिसको कोई नहीं जानता दो साल पहले तक ठीक है, बस यही है, ज़्यादा मेरी लाइफ स्टोरी बहुत बड़ी नहीं है, सिंपल है। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, मैं पटना का रहने वाला हूँ और मैंने बीटेक लेदर टेक्नोलॉजी में किया है। जैसे सर ने कहा कि उन्होंने फुटवेयर टेक्नोलॉजी किया है, उसी तरह से मेरा भी जो कोर्स है बीटेक वो यूनिक है, बहुत कम लोग करते हैं। और मैं बीटेक करने के बाद MIT मुजफ्फरपुर कॉलेज में एज ए पार्ट टाइम लेक्चरर था, वहाँ लेदर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। उसके बाद मैं अपनी जर्नी लेक्चरशिप में नहीं कंटिन्यू कर पाया, मैं फिर चेन्नई टाटा इंटरनेशनल में काम किया, बाटा इंडिया लिमिटेड में मोर देन 25 ईयर्स आई वर्कड, सो ऑल टुगेदर 35 ईयर्स आई वर्कड इन लेबर फील्ड, मार्केटिंग एंड फुटवेयर टेक्नोलॉजी। सो आफ्टर एज ऑफ 58 माई सन बोथ आर IT इंजीनियर एंड वन इज इन कैनेडा, वन इज USA, एंड प्रायर टू दैट दे आर वर्किंग विथ Bangalore with and we are staying here only. So what they suggested, why are you doing, and I got transferred from here to Calcutta. So they suggested at the age of 50, why are you going to Calcutta, so better be with us and take the BRS. I took the BRS and stayed here, but in the meanwhile due to corona my son got lost the job and he was trying for Canada and got a job at Canada. So he went over there, and my youngest son who passed from BIT Mesra, and after that he was doing a job in Gale, but in the meanwhile he decided that I will go for master course, MSc in Data Science. He went to Indiana University, Bloomington, USA. So he has completed his course in the month of December this year. So after when they went outside, then I decided what to do. My niece is a teacher in Golconda Palia, there is a St. Clarion school. So what to do? Because I feel loneliness, I stayed simply in my house, that I can't do. So I decided to go something. One of my friends was in Bata and he left the job. Then I asked him what to do. Then he suggested better to come in real estate. So I joined real estate. And after that, one global based company offered me very good salary, and as a partner I am doing my affiliate Hebbal. एंड ये जो प्लेटफॉर्म हमें बहुत अच्छा लगा, विकास सर का मोमेंट कि बिहारी जो ठान लेता है वो कर सकता है। और आपने देखा होगा कि मैक्सिमम IT इंजीनियर्स और IAS ऑफिसर बिहार से ही पैदा हुए हैं, और बिहार में जो कर सकता, बिहार में दम में जो कर सकता है वो दूसरे स्टेट वाले कोई नहीं कर सकते हैं। ये मेरा मानना है, ऐसा देखा गया, सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। और हमने अपनी पुरानी चीज़ों को भुला दिया है कि हमें वो शक्ति है, जैसे हनुमान जी की शक्ति उन्हें जब याद दिलाया जाता है तो वो शक्ति बढ़ के आती है और वो अच्छा कर लेते हैं, और अच्छा बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने कंपनी का कंसल्टेंसी ले लिया, टेम्पो इंटरप्राइजेस, वहाँ सेफ्टी शू, लेदर का शूज, अपर वगैरह, स्कूल शूज सारे बन रहे हैं। और मैंने बिहार के जितने बच्चे यहाँ है बिहार में दासर अली में, सभी को मैं जाजे के पर्सनली जॉब के लिए ऑफर किया हूँ, और सभी लोग 50 आदमी बिहार से खास करके हमारे साथ वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये हमारा एक अपना खुद का मोमेंट था कि बिहार के लोग जो यहाँ बैठे पड़े हैं उनको मैं जॉब दे सकूँ, और मैंने दिया है। तो यहाँ आने का मेरा बहुत ही मन था कि मैं आऊँ एज ए वॉलंटियर भी काम करूँ, कि अपने लोगों, अपने बिहार वासियों से मिलूँ, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और इन्हीं शब्दों से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। थैंक्स अ लॉट। सभी लोगों को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मैं संजय सिंह उज्जैन, पूर्व सेना अधिकारी और संस्थापक भोजपुरी समाज सेवा समिति, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। वैसे मैं छपरा का रहने वाला हूँ, रसलपुरा एक गांव है डोरीगंज थाना में, और सेना में एक लंबा कार्यकाल के उपरांत मैं सेवानिवृत्त हुआ, और 2011 से हम समाज सेवा में सदैव तत्पर हैं और लोगों को एकजुट करने में
मदद पहुंचाने में, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने लोगों को मदद किया जाए। और आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा लग रहा है और सब लोग अपना विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरीके से हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएं। आइए पुनः एक बार आप सभी लोगों का अभिनंदन है, नमस्कार, जय हिंद का स्वागत है। और बहुत ही गर्व है कि हम बिहार वासियों एक साथ एक जगह पे आज मौका मिला है सम्मिलित होने का। मेरा नाम कुमार मानवेंद्र, मूलतः बिहार से मुंगेर जिला, और मेरी भी पढ़ाई मुंगेर जिला स्कूल से टेंथ स्टैंडर्ड तक हुई है। उसके बाद मैं पटना शिफ्ट कर गया, मेडिकल का कोर्स किया हूँ, मैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड मस्कुलोस्केलेटन में मेरा स्पेशलाइजेशन है, और HL में मेरा निवास है बेंगलोर में। लास्ट 15 ईयर से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ, कमांड हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। और यहाँ पे हमारा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस का मैं प्रेसिडेंट हूँ, GKC कर्नाटका का। और आप सभी का फिर से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। से बिहार, अभी लग रहा है पूरा बिहार हमारे बीच जुड़ा हुआ है। और मेरा नाम अभिमीत कुमार है, मैं पिछले 15 सालों से बेंगलोर में हूँ, और मैंने अपनी 10th तक की पढ़ाई अपने ही स्कूल, मेरे फादर का अपना खुद का स्कूल है, और बेसिकली मैं मोकामा से हूँ, पटना डिस्ट्रिक्ट, और विकास वैभव सर बिहट के हैं, तो वी आर वेरी क्लोज टू हिम। तो अभिषेक भैया से मैं पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हूँ, और उनके थ्रू ये प्लेटफॉर्म आप सभी बिहारवासियों को मिलता है, आया है। हमेशा वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी करते हैं जिसमें सभी एक दूसरे से मिलने जुलने का मौका मिलता आया है। तो मैं 2007 से 11 इंजीनियरिंग मैंने किया यहाँ से, कंप्यूटर साइंस, फिर 2 साल मैंने इंटेल में काम किया है, फिर अभी फार्मा इंडस्ट्रीज़ में मैं एज ए रीजनल मैनेजर हूँ। तो मेरा भी थोड़ा सोशल है, मेरा भी बिहेवियर है लोगों की मदद करना, और अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली मैंने बहुत लोगों की मदद भी की है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, विकास सर से मिलने के बाद हम लोग बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, विल डिस्कस ऑन दीज थिंग्स, और बस यही, थैंक यू। इस कुमार मिश्रा के प्रणाम। भोजपुरी बोले के मौका तो जिंदगी में छूटिए गई बा, हम तो अंगिका ना जाने नहीं और मैथिली बहुत ज़्यादा ना आवेला, लेकिन जितने भोजपुरी बोले के मौका मिलेला लागेला कि फिर जड़ से जुड़ गए नहीं। जड़ से जुड़ल बहुत जरूरी बा, जब ले हमने के अपने जड़वा तरफ ना जम जा तब ले कुछ मिली ना, तब ले कुछ मिली ना। तो एक तो इनका नाम में, यहाँ के नाम में विकासो बा, मतलब विकास डेवलपमेंट, और यहाँ के पास वैभव के तो कमी बा ना, वहाँ के चेहरे में वैभव झलकता, तो यहाँ के प्रयास बहुत अच्छा बा, और ये प्रयास कति बहुत बहुत साधुवाद नमन। 2 लाइन में अपने विषय में बोलना चाहूँगा, उससे पहले देश, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, तब दुनिया को गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और आकाश की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला वो आगे बढ़ा बढ़ता ही रहा, भगवान करे और बढ़े बढ़ता ही रहे और फले फले बढ़ता ही रहे। I have never sung any song in my life, trust me. I am just a simple writer who writes books to inspire all around the world. This is my book,
and this is doing good in international market, okay? But I dedicate this to LIB team, and I request them to let it reach to as many as in the, Bihar and around, because my beginning was very humble. I did not had even a pair of shoes to go and give the exam to complete my school dress. And today, I have been all through the world. I'm in corporates, I'm into educations. Kuch mere chhatr NASA mein PhD kar rahe teesri baar, third PhD. Chandrayaan 2 mein bhi kaam kiya unhone, Mangalyaan mein kaam kiya mere bachchon ne. Aur AIMS mein CMO level tak bhi mere chhatr rahe hain. मैं देखने में थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं लगता हूँ, लेकिन बचपन से पढ़ाना शुरू किया, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ. सेवाएं अभी भी जारी हैं, शिक्षा, शरीर और जीवन. मैं विश्वास करता हूँ कि अध्यात्म से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, अध्यात्म के पथ पर चल के कुछ भी पा सकते हैं. इसके साथ मैं समापन के पहले कहूँगा कि शिव भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे LIB से जोड़े और बेंगलोर में बिहार बिहारियों के समाज से जोड़े. अंशुमन का धन्यवाद जो हमारे साथ उपस्थित हुए. थैंक यू सो मच फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू से फ्यू वर्ड्स. मैं रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हूँ और रिटायर्ड होने के बाद 2019 में मैं सरजापुरा में रहता हूँ और वहाँ पे मैंने एक बिहार समाज बनाया, बिहार परिवार, जिसमें आज तकरीबन 600-700 रजिस्टर्ड मेंबर हैं और काफ़ी अच्छा हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है. और LIB में अभी मुझे कुछ दिन पहले ही अभिषेक भाई जी ने जोड़ा था, तो इस प्लेटफॉर्म पे आके और भी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छा मुहिम आप लोग चला रहे हैं जो आगे चल के एक काफ़ी बड़ा स्तर लेने वाला है, जो आज लोग कल्पना नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन आई एम श्योर, जैसा सब लोग बोल रहे हैं कि बिहारी जो ठानता है करता है, हम लोगों ने तो ठान लिया है, अब बस होना बाकी है और रिजल्ट आना बाकी है, जो रिजल्ट पूरे वर्ल्ड को हिला देगा. थैंक यू सो मच. मूलतः बिहार मुजफ्फरपुर का रहने वाला, बरसों से एक कसक थी मेरे दिल में कि मेरे बाप दादा फिर मैं और उसके बाद मेरे बच्चे घर छोड़ गांव छोड़ अन्य शहरों में रोजगार के लिए घूम रहे. खाना बदोस्ती हमारी ज़िंदगी हो गई है. मैं बिहार से जमशेदपुर गया, वहाँ नौकरी किया और उसके बाद आज मेरे बच्चे बेंगलोर में हैं, तो मैं फिर यहाँ वापस आ गया अपनी दुनिया बसाने. क्या यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? हमारे बीच आज बहुत से उद्यमी, सफल बिजनेसमैन जिनका करोड़ों का बिजनेस है, देश ही नहीं विदेश में भी परचम लहरा रहे हैं, लेकिन शायद उनको अपने गांव की, अपनी मिट्टी की एक कसक तो उठती ही होगी. ये बहुत बड़ी कसक थी मेरे मन में. ऐसे में विकास वैभव जी का यह अभियान एक उम्मीद की किरण लेके आया है. इस बेंगलोर शहर में व्यस्तम कार्यक्रम के बीच आप सभी आकर के यहाँ इस अभियान को बल दिए हैं. मैं चाहूँगा कि इस अभियान के तहत आप जहाँ भी हैं, जिस क्षेत्र में भी हैं, अपने भरसक प्रयास करें, सहयोग करें. मैं बहुत दिनों से यहाँ बेंगलोर में नहीं हूँ, लेकिन मेरा 2003 से आना जाना यहाँ था और मैं बिहार की बदहाली में ये बताना चाहता हूँ कि आज बेंगलोर IT हब बन गया. मैं अभी कुछ दिन पहले पेपर देख रहा था, इस बारिश शहर के 90 झील ओवरफ्लो हो गए, कंपनी के CEO JCB से घर से निकलने को बाध्य हो गए, उसके बाद भी इन्वेस्टर इंडिया में, भारत में बेंगलोर को ही खोज रहा है, सर्वोपरि मान रहा है. तो ऐसा IT इंडस्ट्री जो आप है, उसमें आप बहुत खनिज पदार्थ की जरूरत नहीं है. मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना चाहता, लेकिन
एक कसक है कि आप आईटी पार्क देख रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे। इस सेटअप को हमारे बिहार में अगर आप करते हैं, कोई भी हमारे भाई आगे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। रह गई राजनीतिक परेशानी, अपहरण, दिस दैट, जो भी आप बोलना बोल लें, उसके बाद में भी आप एक रास्ता निकालते हैं। छोटा सा उदाहरण, आपका बेटा नालायक भी हो जाए, आप बेटा को बेटा ही कहेंगे, पड़ोसी के बेटे को बेटा नहीं कहेंगे। धन्यवाद। हेलो, और शायद मेरे बारे में यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है अपने माध्यम से, मतलब अभिषेक भैया के नज़दीक हम लोग जुड़े हुए हैं, और जहाँ भी मौका मिला है हम लोगों ने प्रेजेंट किया है, अगर कोई भी आया हो तो मैं उन्हीं की शब्द और उन्हीं की जुबानी बोलता हूँ। कभी ये फील नहीं हुआ कि हम बिहार से अलग बानी। इबा की ना इबा तो। और जहाँ तक एजुकेशन की बात हुई और कंट्रीब्यूशन की, तो अभी हम लोग तो ज़्यादा एजेड भी नहीं हुए, लेकिन एक चीज़ मैं अपने तरफ से जो मुहिम किया हूँ, मैंने खुद इंजीनियरिंग किया है, और मैंने अपने साथ जो भी बिहार के लोग मिलते हैं, मैं उनको अपने साथ, कम से कम अगर वो बेरोजगार हैं तो उनकी तरफ मेरी पहली नज़र होती है। मैं उनको अपने माध्यम से जो भी स्किल्स, आईटी स्किल्स मैं जानता हूँ, और जो भी भैयारी प्रबंधक के हिसाब से भी होता है, मैं उनमें उनको जोड़ करके उनको सफल राह तक, अभी खुद मेरे थ्रू लगभग इस साल भी 50 से ज़्यादा भैयारी लोग हैं जो कि जुड़े हुए हैं और इस कॉरपोरेट में कर रहे हैं। तो मेरा एक जस्ट छोटा सा प्रयास है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे से अधिक प्रतिभावान बिहार के हर एक लोग हैं, और हर एक लोग मेरी तरह कर रहे हैं, जिसके कारण आज बिहार के लोग इतने अच्छे पोजीशन पर एस्टेब्लिश हो रहे हैं। इस आईटी हब में कम से कम हमारे बिहार के जहाँ भी युवा जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक बार प्रेम से बोलिए जय बिहार का नारा आ जाता है। ये रहा मेरा इंट्रोडक्शन। गांव करते थे तो टाटा नगर आ गए। जैसे एसपी अंकल बोल रहे थे कि हम लोग कितने दिन तक भटकते रहेंगे, एक तरह से भोजपुरी बोलिए तो भटकना ही बोलिए, खाना बदोश बोलिए, जो भी बोलिए, कि जो खाना के चक्कर में यहाँ से वहाँ जाता है, या लंठ भाषा में बोलिए तो लगती है, दुख तो लगती है कि कब तक ऐसे भटकते रहेंगे। कभी आप यूएस गए, मैं दुनिया के सभी शहरों में, सभी सिटी में सारी घुमा हुआ हूँ। ये मौका देता है, आईटी देता है कि आप घूमें। जापान गया हूँ, क्योटो गया हूँ, पेरिस गया हूँ, स्विट्जरलैंड गया हूँ, यूएस गया हूँ, बोस्टन गया हूँ, यूएस के सीएम है। तो मेरी ये नहीं है कि हम क्या कर सकते, दूसरी बात है कि हम लोग अपने समाज के लिए, अपने बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, जो छोटी छोटी भी है। इसीलिए मतलब कि पहले संवाद, विवाद तो हमेशा होते रहे, संवाद करेंगे तो विवाद कभी सुलझ जाएगा। विवाद के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है, घर में बोलते हैं ना कि झगड़ा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बर्तन भी फूटेगा तो झगड़ा हो जाएगा। तो वो जी जाए कि उसको सोल्यूशन बहुत मैटर करता है, कि आप सोल्यूशन करते हो, वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। तो लेट्स सी हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन स्मॉल वे और मेक आवर बिहार वंस अगेन अ प्राइड स्टेट ऑफ इंडिया। दैट्स माय ख्वाहिश। थैंक यू। धन्यवाद। मैं राजू मिश्रा, एक विद्यार्थी के नाते और बिहार की जमीन की मूल भूमि के चिंतन स्रोत के नाते, आप लोगों के एक सामाजिक उद्यमिता के नाते मैं कुछ वक्तव्य अपना रखना चाहता हूं, और कुछ बेसिक फंड जो कि बिहार की पावन धरती पे अभी भी बहुत पिछड़ा माना जाता है, एक उद्यमिता के नाते, एक सामाजिक उद्यमिता के भी नाते। तो बेंगलोर की शहर जमीन पे तमाम सह कार्यकर्ता और उपस्थित सभी गण्यमान्य को पहले पुनः दिल से अभिनंदन। एक हमारा छोटा सा परिचय है, राजू मिश्रा, चुन्नी ग्राम, मधुबनी जिला, बिहार। बेसिक शिक्षा हमारे गाँव से भेल यह, और जे कि मिथिलांचल का महान धरती झंझारपुर, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का अंग स्रोत में आवे छे।
और सामाजिक उद्यमिता का प्रोसेसमे हम काज करै छलहुँ, लेकिन बेसिक फंड का कारण और बेसिक अपन फाइनेंशियल कंडीशन का कारण जॉब के लेल अपन कार्य आगे बढ़ेलहुँ, लेकिन मनमे ई छलै जे सामाजिक उद्यमिता के लेल कार्य करी। सामाजिक उद्यमिता के लेल बेसिक हमर मेन जे प्लानिंग छलै ओ यूथ फॉर नेशन के छलै, जे युवा सशक्त हेतै तऽ हमर भारत देश सशक्त हेतै। और युवा के लेल बेसिक फंड की जरूरत छै तऽ एक फंड जरूरत छै खेलो इंडिया कार्यक्रम हमर भारत सरकार चला रहल छै, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमर जे बिहार के छै कते ग्राउंड छै की स्थिति छै सब अहाँ सब अवगत छिए, लेकिन खेल में पिछड़े के कारण छै जे हमर ग्राउंड नहीं छै, बेसिक शिक्षा के अभाव छै। मनोबल बहुत छै बिहार के वासी में, परंतु वो छै जे मनोबल दोसर राज्य में बहुत आबै छै, लेकिन अपन राज्य के जहन बात आबै छै तो बहुत पिछड़ जाइ छी। बात सोचै छियै बहुत करब ई करब ओ करब, लेकिन जहन बिहार में रहै छियै सिर्फ सोच के फिर अपन कंडीशन देखे दोसर राज्य में जाइ छी, ओतऽ अपन योग्यता के परिचय दै छियै, लेकिन बसरते वो पिछड़ जाइ छै जे हम अपन मातृभूमि से अपन परिचय नहीं दै छियै। और वो मातृभूमि से जहन हम परिचय देबै तहन हम अपन मातृभूमि और मातृभाषा और मातृ राष्ट्रभक्ति के अपन अलख जगेबै, जे कि नहीं संभव आ रहल छै। क्या की कारण छै? ओ कारण छै जे हमर माटि पानी बहुत सशक्त छै, परंतु हमर मन और मनोबल और आर्थिक और संसाधन के अभाव के कारण ई सब बात भ रहल छै। ई अभाव के दूर करै के लेल बहुत सारा सरकार प्रोसेस में छै, और फाइनेंशियल कंडीशन सरकार के की स्थिति छै और व्यक्तिगत की प्रोसेस छै। और जहाँ तक रहलै प्राइवेट सेक्टर के बात, प्राइवेट सेक्टर फंड दै छै लेकिन ओ कानूनी कार्रवाई के कारण बिहार पिछड़ रहल छै, या के कारण वर्तमान स्थिति या छै जे कानूनी और सुरक्षा के कारण हमर बिहार पिछड़ रहल छै, जे कि सबसे बड़का मुद्दा छै, जे कि बिहार में बड़का बड़का इन्वेस्टर आबै के प्रयास करै छै लेकिन वो वर्तमान न्यूज मीडिया है या दोसर मीडिया है या हर एक मीडिया के कारण या कानूनी कानून स्थिति के बतेबाक के कारण हमर इन्वेस्टर ओतऽ नहीं पहुँच रहल छै। हम बहुत वक्त नहीं लेब, लेकिन ई कहब चाहब एक विद्यार्थी के नाते बिहार के स्थिति के अवगत कराबे के लेल हम बहुत कुछ अपन समय दे सके छी, लेकिन एक विद्यार्थी के नाते यह कहब जे पुनः हम बिहार के बदले के लेल प्रयास करी। मिथिला मगध भोजपुर एके छै, ओहो सब बिहार के निर्माण छै। ई तीन अंग यदि मिथिला भोजपुर सशक्त हेतै तऽ हम निश्चित रूप से बिहार भारत के गुरु छले और विश्व के गुरु बने के लेल प्रत्यक्ष उदाहरण पेश कऽ सकै छै। जय धन्यवाद। धन्यवाद। था 88 में, वो भी एक इंस्टेंस था अराउंड 85 के दौरान। उस समय यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे मिस्टर रामकृष्ण हेगड़े, सो ही यूज्ड टू कम देयर टू बिहार। ओके, सो आई हैड टू टेक हिम टू हाजीपुर बिकॉज मिस्टर रामविलास पासवान ही वॉज रनिंग दैट इलेक्शन। So my uncle told me, why don't you take him to Hajipur, because I had to connect all the dots, because he has to reach there again, he has to come to Patna again, from Patna to Delhi. Then while I was traveling, then he asked me what you'd like to do. So I had only two options, either I wanted to get into the law or second one the computer science. Then I told him I have only two options. Then he suggested, why don't you come to Bangalore, so it's good for computer science. So he organized everything. I came here in 88. So I passed out in 92. And then I started my entire corporate world. Okay. So most of the Indian companies I work for, TCS, Wipro, Infosys, Oracle Corporations. And post that, I used to handle two large accounts from Oracle, Tata Group, Reliance, Mukesh and Anil. So mostly my interactions used to be at the chairman and next level, ki what direction they should take. So I was in Bihar also, not Bihar means Jamshedpur. I meet Mr. Nerulkar, he was the managing director for Tata Steel in 2012. So I was giving them a guidance ki how they take this Tata Steel in the next MES kind of things. So my whole work is related with transformation the business. And 2013, I started my own company called Converbis Technologies. And we had around 50 people.
and we were doing all the product development, the SaaS-based development. So we created a great product, and that was utilized by United Nations in the healthcare. Second product I am working on that can be equivalent to either SFDC or ServiceNow, because I am completing innovations. You got my point. You tell me some problem so I can solve then and there. Because I did some kind of whiteboarding also when I was managing Tata Group with Mr. Cyrus Mistry in 2011. So we used to go into whiteboard and used to draw, okay, this company, what directions you want to take. So we used to connect the dots. So this is the first time because I got into this kind of gathering. It's good because I'm a Bihari. So whenever I decide something has to be done, so I look at only that point. I don't look left and right. So it was a great opportunity to join you people. And somewhere, if I can contribute, and whatever you would like, any help from me, I try to start my company also in the Patna. I found it's very difficult because there were no resources. So we'll be looking for some kind of help if I have to start a company and maybe I have to deploy some of the people and they can work across the globe on the multiple projects. Thank you. Education completely West Bengal mein complete kiya. Kuch din West Bengal mein kaam kiye. 23 saal se ye kuch saalon main Bihar mein raha. Bihar ka khana khaya. पानी पिया मिट्टी पे थे तो दिल में हर वक्त आता था जो ये बिहार के लिए कब आदमी उठेंगे और कुछ इस स्टेट का होगा. हम पिछड़े हुए थे नहीं, हम उतने बुरे जितने हम सोचते हैं उतने हैं नहीं. पहले जो राष्ट्रपति थे वो बिहार से हैं और अभी भी रिकलेक्ट कर सकते हैं हम, और जो हमारे एज के हैं वो रिकलेक्ट कर सकते हैं. बिहार एक अच्छा स्टेट था. अगर मानिए जो उस समय देखा जाए वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा था, अच्छाई में आता था. महाराष्ट्र और बिहार भी आता था, यूपी भी आता था. धीरे धीरे क्या हुआ, साउथ आगे बढ़ता गया और वेस्ट बंगाल नीचे जाता गया. उसके साथ साथ बिहार भी उसका पीछा पकड़ लिया, यूपी भी पकड़ लिया, चूँकि यूपी इज नाउ कमिंग अप. और जब भी I think everyone will accept me. हम अपना परिचय जब देते हैं तो कहीं ना कहीं छिपाने की कोशिश करते हैं जो हम बिहार से नहीं हैं. ये हकीकत है, क्योंकि वो जो इम्प्रेशन हमने डाले हैं सबके नज़र में, वो इम्प्रेशन हमें वो करने से रोकते हैं. लेकिन अगर आप देखिए IPS, IAS जितने भी टॉप रैंकिंग है और कुछ कंपनियों में भी टॉप रैंकिंग है, वो हैं कहाँ से? बिहार से हैं. दिल्ली बोलिए, मुंबई बोलिए, इवन बैंगलोर आल्सो, यू हैव पीपल ऑन द टॉप हु आर फ्रॉम बिहार. वो हमें प्राइड होना चाहिए. और वो एक आदमी नहीं कर सकता, एक संगठन कर सकता है. एंड आई एम हैप्पी टू बी एसोसिएटेड विद दिस. एंड व्हेन आई गॉट एन इनविटेशन आई सेड यस आई विल जॉइन. एंड आई एम ट्राइंग एज मेनी पीपल टू पुल इन एंड मेक देम पार्ट ऑफ दिस फैमिली. So let me tell you about myself. So I came Bangalore and started working in IT company. I left the IT company in between and started my own operation. Today I head a company. We are 5 people. We have made this company a 1,000 crore company now. And I have operation across India and 5 major countries of the world. One in Singapore, Manila, US, I have my operation. So we run the operations and always it's my to support Bihar to grow, help Biharis to rise up and help the poor to come up. Thank you. Meri janmbhoomi to Nalanda jila hai aur aap sabhi log jante hain Nalanda ne pure vishv ko ek gyan ki deep jalai hai. नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे देश को शिक्षा का महत्व बताया है. मेरे पिताजी भी बिहार सेवा में थे, जिनकी ट्रांसफ़र 2000 में ईस्वी में पटना में हुई, तो इसके लिए मुझे पटना आना हुआ और मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की शिक्षा
पटना के ही आरपीएस पब्लिक स्कूल से प्राप्त की। उसके बाद मैं ने एमटेक ग्वालियर के आईटीएम विश्वविद्यालय से की है और अभी मैं पिछले 9 महीने से बेंगलुरु में डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो लेट्स इंस्पायर बिहार के का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें मुझे शामिल होने का मौका मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और अभिषेक भैया और सभी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, जिनने कि हम सबको एक साथ, मतलब बिहार के सभी लोगों को बेंगलोर में एक साथ लाने का अवसर दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। आज हम सब यहाँ पे जो भी सुनेंगे विकास सर के द्वारा उसे अपने जीवन में उतारने की तो कोशिश करेंगे ही और बिहार के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा बिहार बहुत आगे जाए। मैं अपनी वाणी को एक लाइन कह के समाप्त करना चाहूँगा, मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत बंदन बिहार। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, ग्राम बगहा, जिला सिवान, बिहार से बिलोंग करता हूँ। आप सब के समक्ष उपस्थित होकर काफ़ी खुशी महसूस हो रही है मुझे। उपस्थित बहुत सारे लोगों में कुछ लोग मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, लेकिन ये अच्छा मौका है एक दूसरे को जानने का, क्योंकि हम सबका मकसद एक है। और बड़े खुशी की बात है कि लेट्स इंस्पायर बिहार ये एक प्रोग्राम जो शुरू हुआ है अभिषेक जी और हमारे कुछ मित्रों द्वारा, क्योंकि हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये टीस है। हम सब गर्व से जो बाहर रहते हैं, हम सब गर्व से सीधा चौड़ा करके बोलते हैं हम बिहारी हैं। कुछ लोगों के अंदर कुछ हीन भावना शायद होती है और ये कारण भी है इसका, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ ऐसा होता है जिसका हरजाना बाहर वालों को भुगतना पड़ता है। कोई बोलता है बिहारी, एक बिहारी 100 बीमारी। तो इन चीज़ों को हमें ही दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन चीज़ों से फाइट करते करते हम कोशिश करते हैं बिहार का नाम जितना अच्छा हो सके उतना हम करने की कोशिश करते हैं। सब अपने अपने गांव घर से दूर, करीब करीब 3000 किलोमीटर दूर आकर, और हमने अपने आप को कहीं जॉब में, कहीं बिजनेस में एस्टैब्लिश किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है किसी पराए देश प्रदेश में आकर और खुद को एक अनजान जगह पे एस्टैब्लिश करना, एक बहुत बड़ी बात है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू फॉर दिस। मेरा जन्म बिहार में है, बिहार की मातृभूमि है, इसलिए शायद बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। लेकिन जब से मेरा होश नहीं तब से मैं बाहर बाहर रहा, क्योंकि मेरे पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई थे और ट्रांसफरेबल जॉब था, तो जहाँ जहाँ वो गए हमने कॉस्मोपॉलिटन कल्चर अडॉप्ट किया। तो हम लोगों को कहीं भी मिक्सअप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, और जहाँ भी रहते हैं धाक से रहते हैं, कहीं डर के नहीं रहते। ये बिहारियों की सबसे बड़ी खूबी है। लेट अस क्लैप फॉर दैट। हम बिहारी लाखों पे भारी। तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, इतना ही, हम सब मिलके कुछ कोशिश करें ताकि वहाँ पर हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ। मैंने जो अपने तरफ से जो महसूस किया है, और मैं ओपनली किसी चीज़ को बोलने में या राय रखने में विश्वास करता हूँ, संकोच नहीं करता, क्योंकि मन में दबा के रखने से कोई बात बनती नहीं है। तो मुझे जहाँ तक बचपन से महसूस हुआ है ये है, हम जो बाहर आए हैं वी ऑलवेज फॉलो द डिसिप्लिन वेयर वी आर। हम जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ का डिसिप्लिन हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जब हमारी ट्रेन या हम जब एंटर करती है बिहार, हमारा रवैया क्यों बदल जाता है, हम चेन पुलिंग क्यों करते हैं, हम गलत रवैया क्यों अपना लेते हैं, हमें इन चीज़ों पर लगाम लगाना पड़ेगा। और वहाँ जो है, जो बिहार में रहते हैं, उन लोगों को ये धीरे धीरे सिविक सेंस, इन सब चीज़ों पर एजुकेट करना पड़ेगा। आप बताइए गुजरात और बिहार में क्या अंतर है? इसी देश में वो दोनों स्टेट ही हैं, लेकिन आज अब मुंबई भी नहीं, अब जो कच्छ है, आने वाले दिनों में दैट इज गोइंग टू बी द योर कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इन द कमिंग डेज। तो एक, हम सबको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे हम बिहार में रहें या बाहर रहें। दूसरी बात है सेल्फ रेस्पेक्ट।
एंड अवेयरनेस, हम जहाँ भी रहें सम्मान के साथ रहें। मैंने बहुत जगह बहुत कुछ नोटिस किया है, जो आकर लोग उल्टा सीधा कुछ करने लगते हैं और वहाँ बिहारियों की बदनामी होती है। तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि हम लोकलाइट्स को डिस्टर्ब करें या ऐसा कुछ करें जिससे हमारा और हमारे बिहार का नाम बदनाम हो। ऐसा काम हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यूनिटी भी की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिहार, खास करके यूपी बिहार और नॉर्थ के कुछ स्टेट्स जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर बटे रहते हैं। मैं बिहार स्टेट टॉपर था, ग्रेजुएशन मैंने बीआईटी मिश्रा से किया, वहाँ पे बेस्ट टॉपर था, फिर एमबीए और फिर मास्टर इन लॉ किया है, और उसके बाद अभी मैं आईसीआईसीआई बैंक में जोनल रिक्रूटमेंट हेड एचआर, ईस्ट एंड साउथ लगभग 17 स्टेट्स का एचआर का रिक्रूटमेंट हैंडल करता हूँ, बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। फिर से आप सबका वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम, एंड फिर से मुख्य अतिथि श्री विकास बहो जी का हार्दिक अभिवादन। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं कर्नल राजीव रंजन सिंह रिटायर्ड, सेना में 23 वर्ष नौकरी करने के बाद मैंने पिछले साल ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है। सेना के दौरान मुझे यूनाइटेड नेशन में काम करने का मौका मिला, मणिपुर में असम राइफल के रेजिमेंट को कमांड किया, और सन 18 से लेकर 21 तक साउथ कश्मीर, पुलवामा, शोपियाँ, अनंतनाग, कुलगाम, वहाँ पे मैंने सरेंडर टेररिस्ट की एक यूनिट को कमांड किया। और फिलहाल मैं अमेजॉन में ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल इंटेलिजेंस को देख रहा हूँ। तो आप सबका स्वागत है, और लेट्स इंस्पायर बिहार के बेंगलुरु चैप्टर को शुरू करने से पहले, आज तक या जब से इसकी स्थापना हुई है सन 2021 में लेट्स इंस्पायर बिहार से लेके अभी तक, लेट्स इंस्पायर बिहार ने क्या क्या बिहार को अपना योगदान दिया है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताने के लिए मैं आलोक को निमंत्रण करता हूं। आलोक भी बीआईटी के एलुमनाई हैं, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर एंड वेलकम आलोक। धन्यवाद, और सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बिहार के बैनर तले आज तक क्या उपलब्धियां हासिल हुई है, क्या क्या काम किए गए हैं बिहार राज्य के विभिन्न विभिन्न जिलों में। लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का शुरुआत 2021 के युवा दिवस के अवसर पर किया गया था, जबकि उसका स्वरूप और ढांचा उसी साल बिहार दिवस के दिन तैयार किया गया था। प्रारंभ में कुछ ही व्हाट्सएप ग्रुप एंड फेसबुक पेजों के माध्यम से इस सूचना को लोगों तक पहुंचाया गया था, और व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि आपके आसपास हो रही सकारात्मक घटनाओं को एक दूसरे से साझा करके लोगों को प्रेरित किया जाए। और आज के दिन कुल मिलाकर 900 व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम के थ्रू 45,000 लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मिशन में जुड़े हुए हैं। कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो लेट्स इंस्पायर बिहार बैनर तले बिहार में विभिन्न विभिन्न राज्य जिलों में सक्सेसफुली किया गया है। उसमें पहला है क्रैक, जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। इसके अंतर्गत इसी साल फरवरी माह में पटना में एक कोचिंग संस्थान ने 40 विद्यार्थियों का चयन किया और उसे निःशुल्क शिक्षा, रहने खाने का प्रबंध कराया गया। दूसरा जो सक्सेसफुल कदम उठाया गया है वो है गार्गी पाठशाला। यह भी एक अद्भुत स्टेप है। इस कार्य के अंतर्गत पटना के 5 विभिन्न विभिन्न जगहों को चिन्हित करके वहाँ पे साप्ताहिक रूप से महिलाओं की मंडली के थ्रू झुग्गी झोपड़ी में रह रहे बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का प्रबंध कराया जाता है। तीसरा जो कदम उठाया गया है वह है निःशुल्क चिकित्सा शिविर। इसके अंतर्गत पटना में एवं अन्य जिले में अभियान से जुड़े चिकित्सक जनों के द्वारा फ्री में चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें जनरल फिजिशियन, आँख, कान एवं अन्य बीमारियों के चिकित्सक भी शामिल हैं। और जो चौथा कदम उठाया गया है सक्सेसफुली वह है समस्तीपुर एवं भागलपुर में शिक्षा दान। पटना के अतिरिक्त समस्तीपुर जिला में भी
शिक्षण संस्थानों द्वारा इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की निःशुल्क शिक्षा प्रबंध कराई जाती है। अगला जो कदम उठाया गया है वह है पटना में सिवाय अकेडमी, यह भी अपने आप में एक अद्भुत स्टेप है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग और मेडिकल के प्रवेश परीक्षा के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरा अगला है समस्तीपुर में संध्या पाठशाला, यह भी अपने आप में एक अद्भुत स्टेप है। इसके अंतर्गत इससे जुड़े सदस्यों द्वारा शहर के सुदूर गांव में संध्या पाठशाला चलाया जाता है। अगला है निर्मली सुपौल में शिक्षा दान। उसके बाद जो कदम उठाया गया है वो मधुबनी में निःशुल्क शारीरिक प्रशिक्षण, सिवान में शिक्षा दान, रोहतास में सामाजिक गतिविधियां, बेगूसराय में महीनवार निःशुल्क चिकित्सा शिविर। इसके अंतर्गत हर सप्ताह चिकित्सकों के द्वारा फ्री में चिकित्सा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी विभिन्न जिलों में और भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और आज बेंगलोर चैप्टर के बाद हम आप लोगों से भी वही गुजारिश रहेगी कि इस लिस्ट में हमारा भी नाम जुड़े और हम लोग भी सक्सेसफुली कुछ कदम उठाए जो अगले चैप्टर में उस योगदान को भी सराहा जाए। धन्यवाद आलोक। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज बेंगलोर चैप्टर का शुभारंभ करेंगे और इस बेंगलोर चैप्टर में दो शख्स बड़ी अहमियत रखते हैं। एक है चंद्रभूषण जी और दूसरा अभिषेक जी, लेकिन इससे पहले मैं उनको मंच पे बुलाऊं। मैं यहाँ पे मौजूद लोगों को सिर्फ एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैसे बैंगलोर हमेशा से इतिहास रचता आया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे भी इसमें शामिल होगा। तो बात सन 1944 की है, वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था और जब एलाइड फोर्सेस नॉर्मेंडी बीच पे अटैक करने पहुँचे, जहाँ पे फ्रांस में नॉर्मेंडी बीच है और वहाँ पे जर्मनी ने कब्जा कर रखा था और जनरल रोमेल की फौज ने वहाँ पे तारों का बाड़ लगा रखा था। और जब वहाँ पे लैंड हुई एलाइड फोर्सेस तो उनकी काफ़ी कैजुअल्टी हुई, सैकड़ों में लोग मारे जाने लगे और उनको एक इंच की ज़मीन भी उस बीच पे नहीं मिल पा रही थी। तो जो वहाँ पे यूनिट थी, वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने उनको बोला कि तुम बेंगलोर निकालो और आगे बढ़ो। तो लोगों ने सोचा ये बेंगलोर क्या है। तो फिर वहाँ का जो कंपनी कमांडर था, अभी थोड़े दिन पहले ही उसका ये बयान आया, अभी वो फिलहाल 4 साल पहले उनका बयान आया था, उस समय वो मेजर जनरल थे रिटायर्ड और उस समय वो मेजर थे, मेजर राइंस। उन्होंने फिर बेंगलोर टॉर्पीडो निकाला और बेंगलोर टॉर्पीडो से वो सारे वायर ऑब्स्टेकल को ध्वस्त किया और आगे बढ़े। और इस बेंगलोर टॉर्पीडो की ईजाद सन 1910 ईस्वी में यहाँ पर बेंगलोर में ही हुआ था। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आज जब ये बेंगलोर के साथ बिहारियों का चैप्टर जुड़ेगा तो बिहार में आने वाले जितने भी बाधाएं हैं, जितनी भी वायर ऑब्स्टेकल है, उसे ध्वस्त करने में काफ़ी सफलता इसे मिलेगी। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं चंद्रभूषण जी और अभिषेक जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वर्ड अबाउट चंद्रभूषण जी, ये यहाँ के बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं और सीबी की इन्फोटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं, जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है और हायर इंजीनियरिंग में इनका काफ़ी योगदान है। ये सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं को इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रदान करते हैं, चाहे वो इन्फोटेक्नोलॉजी हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो कम्युनिकेशन हो। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ मंच पे और साथ में अभिषेक जी, जिनका जो परिचय के मोहताज नहीं है और ये बिहार के सर्कल में एक सोशल एंटरप्रेन्योर के नाम से जाने जाते हैं। बेंगलोर चौपाटी इनका एक काफ़ी ही सफल कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत वो बिहार के रहने वाले लोगों को बेंगलोर में एक साथ जोड़ते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मुझे आग्रह है चंद्रभूषण जी से और अभिषेक जी से कि वो मंच पे आएं और बेंगलोर चैप्टर के बारे में बताएं। धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक ब्रह्मर्षि है, प्रियदर्शी भी बुलाते हैं कई लोग। मैं समस्तीपुर के पूसा के आसपास का रहने वाला हूँ, गाँव का नाम परना है, परना डरोरी बोलते हैं लोग। यहाँ बेंगलोर में लंका में रहता हूँ पिछले 10-12 साल से और भारतीय वायुसेना में 17 साल सेवा देने के बाद से मैं वीआरएस लेकर के बिजनेस में हूँ, रियल इस्टेट मेरा बिजनेस है। आज इस मौसम में और फेस्टिवल माहौल में कई लोग बेंगलोर से बाहर हैं परिवार के साथ,
क्रिसमस हॉलीडे को सेलिब्रेट करने के लिए, उसमें से आप लोग समय निकाल करके आए हैं, उसके लिए सभी लोगों को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मेरे पसंद का क्या काम है कि लोगों को आपस में जोड़ना, एक दूसरे को संपर्क कराना, उसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूं। बिहार एवं हिंदी भाषी काफ़ी लोगों को मैं कोशिश किया हूं कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएं, आपस में जुड़ें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिजिकल प्रोग्राम करके। हम लोगों ने 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को इकट्ठा किया है यहाँ पर विद्यापति समारोह के थ्रू, चूड़ादही प्रोग्राम के थ्रू या कभी भोजपुरी समाज के थ्रू। और हम जैसे दर्जनों लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि लोग आपस में जुड़ें। क्यों जुड़ना है? क्योंकि अब हम लोगों में से कई लोगों की स्थिति है कि बच्चे और खुद यहाँ परमानेंट रह रहे हैं, तो हम लोगों का एक सामाजिक जीवन भी जारी रहे, उसके लिए हम लोग का प्रयास है कि सब लोग आपस में जुड़ें। आपस में जुड़ने का और भी बहुत सारा फायदा होता है, जैसे कि कोई व्यवसायी है, प्रोफेशनल है, उनको उस चीज़ का लाभ मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर सामाजिक जीवन जो आदमी में नहीं है तो वह पशु की भांति अनुभव करने लगता है, तो वह कमी नहीं हो इसके लिए हम में से कई लोग इस चीज़ को प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी सफलता मिली है। एक समय था जब बेंगलोर को लोग विदेश की तरह सोचते थे कि बेंगलोर, अभी भी आप जो कोई बेंगलोर नहीं आया बोलेंगे तो अच्छा बेंगलोर विदेश टाइप का कुछ मन में ख्याल आता है, उस चीज़ को काफ़ी कुछ हम लोग चेंज करने में सफल हुए हैं और प्रयास जारी है। लेट्स इंस्पायर बिहार की जानकारी मुझे भी कुछ महीनों पहले मिली। हम लोग बिहार से हैं, मैं पोस्ट भी डाला था आज की, हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी दूर दूर तक जहां कोई सोचता नहीं है वहां जाके भी ढूंढेंगे तो बिहारी मिलेंगे और सफलता से वहां पर वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब में हैं, अच्छे लेवल पर हैं। अब तो धीरे धीरे स्थिति है कि लोग प्रधानमंत्री बन रहे हैं अलग अलग जगह जाके बिहार से या भारत से। तो ऐसी स्थिति में बिहार में हम लोग वर्तमान परिस्थिति में क्या कर सकते हैं, ये हम सब के मन में चलता रहता है और उसके लिए एक गंभीर प्रयास शुरू किया है हमारे आदरणीय आज के जो मुख्य अतिथि हैं विकास वैभव भैया ने, उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और हम लोग बिहारी हैं, कहीं भी जाके जब रह सकते हैं, बस सकते हैं, वहां एक माहौल बना सकते हैं, वहां बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, तो हम सभी उम्मीदों से भरे हुए हैं कि आगे बिहार में भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, किया जा सकता है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, तो मैं इस चीज़ को मान के चल रहा हूँ कि यह एक वही चिंगारी है जो आने वाले समय में बिहार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी और हम सब उसका हिस्सा बनेंगे। काफ़ी अतिथि लोग आए हुए हैं, काफ़ी कुछ आगे होना है। हमारे साथ कार्यक्रम के संयोजक हैं भैया, आगे मैं ये माइक उनको देता हूँ ताकि वो अपनी बात रख सकें। धन्यवाद। एक ये बहुत ही खुला मंच है जहाँ कि कोई भी अपने प्रतिभा को आगे लाकर और इस मुहिम से जुड़कर जो शिक्षा, समता और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पे थोड़ा देर पहले हम लोगों का गेट टुगेदर और बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ सभी लोगों का, और बहुत सारे गेस्ट जो आए हुए हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत सारे अच्छे कार्य को किए हुए हैं, रिकॉग्निशन है उनका, और सभी का अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बन स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, और मैं चंद्रभूषण बिहार प्रांत के चंपारण जो महर्षि वाल्मीकि की धरती, ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है और मेरे भी जन्म स्थल है, मैं वहाँ का निवासी हूँ। विगत 35 वर्षों से अपनी कर्म साधना और कर्म भूमि बेंगलोर में कार्यरत हूँ। मेरी आरंभ से ही यह सोच रही है कि अपनी मातृभूमि यानी बिहार प्रांत के लिए कुछ ऐसा किया जाए जहाँ की आम जनता के चेहरे पर खुशी, सुकून और संपन्नता देखा जा सके, और इस अधिवेशन का एक हिस्सा बनकर यह मुझे महसूस हो रहा है कि आदरणीय विकास वैभव सर के मार्गदर्शन में अब हम सभी मिलकर अपने बिहार को एक गौरवशाली बिहार बनाने की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।
बहुत सारे अवधारणाएं हैं बिहार के बारे में, उस सारी अवधारणाओं को मैं सिर्फ एक शायर के शब्दों में बोलूँगा कि इन्हीं पत्थरों से चलकर अगर आ सको तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है। फिर भी अगर हम एक अपने आप में देखें तो बिहार को सक्षम, सशक्त और स्वावलंबी बनाने जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे और पर गंभीर विचार बिहारवासियों के मन में हमेशा आता है, चाहे वो बिहार में रह रहे हों चाहे बिहार से बाहर रह रहे हों। और ख़ासकर अगर हम COVID-19 की समय को याद करें तो उस समय काल में यह विचार लगभग सभी अप्रवासी भारतीयों के मन में आया कि, और मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, कि हमारा बिहार उन्नत हो, हमारा बिहार फिर से पुनः उस गौरव को प्राप्त कर सके। परंतु समय काल के परिस्थिति के कारण अपना परिवार और पेट पालने की मजबूरी में लोगों को पलायन करना पड़ा। इसका नतीजा यह हुआ कि पिछले कई दशक से बिहार में खासकर अनेक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याएं और चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। हम सब अगर एक मिनट अपने आँख को बंद करके सोचें और ये सवाल को पूछें कि क्या ये स्थितियाँ बदलनी चाहिए, और अगर आपका जवाब है हाँ, तो लेट्स इंस्पायर बिहार फॉर द विकास ऑफ द बिहार एंड वैभव ऑफ द बिहार। पिछले करीबन 7-8 महीने में मेरी उपस्थिति मेरे जन्मभूमि मेरे गांव में रही है, तो मैं थोड़ा सा संदर्भ उसको इस चैप्टर से जोड़ना चाहूँगा, बेंगलोर चैप्टर से, कि कैसे इस चीज़ को सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। और इस क्रम में मैं थोड़ा सा गांव, बिहार के गांवों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। और अगर हम अपना बिहार के 28 जिलों की चर्चा करें तो हमारे पास लगभग 28 शहर है, और बाकी 88% हमारा जो आबादी है बिहार में वो गांव में ही रह रहा है। तो 38 जिले थे। तो उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जैसे देश के महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन ग्राम स्वावलंबन और ग्राम स्वराज में लगा दिया, और आज के कालखंड में वैसे ही एक महापुरुष श्री विकास वैभव जी हमारे बीच आज रूबरू हैं। वैसे तो हजारों लोग ने अपना योगदान गाँव को सक्षम बनाने में लगाया, परंतु विश्व और राष्ट्र की व्यावसायिक नीतियाँ ऐसी बनी जिससे शहरों का विकास तो हुआ परंतु गांव धीरे धीरे कमजोर होते चले गए, और जब आज परिस्थिति ऐसी बन गई कि पीछे लौटने का विकल्प मुश्किल सा लगता है। इस परिस्थिति से उभरने के लिए अस्थाई व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें मरणासन हो चुके गांवों को दीर्घकालीन योजना के जरिए प्राणबद्ध बनाया जा सके। लेट्स इंस्पायर बिहार शिक्षा, समता और उद्यमता के मंत्र से इस कार्य को पूरा करने के दृढ़ संकल्प के साथ समर्पित है, परंतु परस्पर सहयोग से ही यह संभव है। आज सूचना प्रौद्योगिकी, तकनीकी, कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आ गए हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, ट्विन टेक्नोलॉजी, AR VR इत्यादि के माध्यम से यह संभव है कि गाँव में स्मार्ट एजुकेशन ऑनलाइन ऑफलाइन का हाइब्रिड मोड बना करके क्लास के माध्यम से सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, सिर्फ अक्षर विज्ञान ही नहीं, चरित्रवान और स्वावलंबी बनाने की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। उसके साथ साथ स्मार्ट विलेज कॉन्सेप्ट के अंदर गाँव के पूजा स्थल या सड़क, पंचायत और पार्क या बैठने की जगह का निर्माण कराया जा सके। गाँव में जीवन शैली ऐसी विकसित हो जहाँ लोग जल्दी बीमार ना पड़े, और अगर पड़े हो तो स्थानीय चिकित्सा प्रणाली इतनी स्वावलंबी हो और विकसित हो उसका उपचार सुगमतापूर्वक किया जा सके। ऐसा इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिजाइन फॉर रूरल एरिया स्मार्ट हेल्थ केयर सेंटर से संभव किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा एक स्मॉल प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। मैं लगभग 35 साल पूर्व इस शहर में आया, बेंगलोर में, अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करने, और
समय का संजोग ऐसा बना कि 35 सालों में मात्र मैं 4 या 5 बार अपने गांव जा सका। थोड़ी हिंदी हम लोग की साउथ इंडियन हो गई है, इसलिए माफ़ी चाहेंगे सब लोगों से। अब इंस्पायर होंगे तो हम लोग फिर से सीखेंगे। तो कोविड के सेकेंड राउंड में हमारी माता जी ने इच्छा व्यक्त की कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और तुम्हारी हवेलियाँ खंडर खंडहर बन रही हैं और मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, सफोकेशन हो रहा है, लॉकडाउन था, मुझे गांव ले चलो। और हमारे पिताजी बिहार राज्य सरकार में सिंचाई विभाग में मुख्य अभियंता थे। तो करीबन 35 वर्ष बाद ऐसा मौका मिला कि हम गांव जाएं और सच में हमारी हवेलियाँ वहाँ खंडहर हो चुकी थी, उसकी उपयोगिता नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, क्योंकि हम लोग यहाँ अपने रोजी रोटी या जो भी व्यवसाय है उसके कारण यहीं रहना पड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई उनका जन्म। मुझे जब मौका मिला गांव घूमने का तो बचपन में दादी के साथ जब मैं किसी खेत में जाता था तो वहाँ एक बरगद का पेड़ था बड़ा सा, आज उसका रूप बदल गया है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा चबूतरा मैंने निर्माण कराया जहाँ पर कि लोग वैदिक रीति से बच्चे आते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और जस्ट एक बिगनिंग है, बेबी स्टेप। तो वहाँ पे हमने ये एक कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया कि ऐसा हर गांव के लिए पॉसिबल है कि हम हर गांव को अडॉप्ट करें। और थोड़ी सी इसके पीछे लेट्स इंस्पायर की भी भूमिका है। अगर आप कहें कि अभिमन्यु के तरह द्रोणाचार्य से मैंने बिना उनसे मिले हुए अचानक से ये संजोग कह सकते हैं कि मैं जब ब्राउज कर रहा था तो बिहार के लिए क्या किया जाए, तो जो पहला पेज मेरे पास आया वो लेट्स इंस्पायर बिहार का आया। और उम्मीद है कि वैभव जी जो है सो मेरा अंगूठा नहीं मांगेंगे। तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया कि ये तो चाणक्य हैं जो हर व्यक्ति में एक चंद्रगुप्त की तलाश कर रहे हैं। और जब आलोक जी ने बताया कि पिछले एक साल में बहुत कम समय में इतनी उपलब्धि और बिहार के लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में लेस इंस्पायर का बैनर आज चैप्टर एस्टैब्लिश है और प्रनाटो को हम लोग लगभग मान सकते हैं कि अगर सेंट्रलिटी के हिसाब से देखें, प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से, तो बिहार से लगभग सबसे दूर राज्य में हम ही लोग हैं, लगभग कह सकते हैं ऐसे, जहाँ पॉपुलेशन है। तो बेंगलोर चैप्टर का एक बहुत बड़ा महत्व बनता है क्योंकि बेंगलोर को दो चीज़ों के लिए पूरा विश्व जान रहा है, एक तो यहाँ की आईटी सिटी, इकोसिस्टम जो है यहाँ फ्रेंडली इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। मैं चूंकि समय का बहुत अभाव है तो मैं इसको क्विकली रैप अप करूँगा। हम सब अपने गाँव को अडॉप्ट करके और अपने गाँव के चंद्रगुप्त अपने आप को समझ करके और चाणक्य वैभव जी का इंस्पिरेशन लेके, मार्गदर्शन लेके एक छोटा सा सर्वे कर सकते हैं कि हमारे गांव की हिस्ट्री क्या है, अभी तत्काल में वहां की एजुकेशन फैसिलिटी क्या है, तत्काल में वहां की हेल्थ फैसिलिटी क्या है, वहां पे फिनेंशियल क्रेडेंशियल कैसा है, लोगों का आर्थिक स्थिति क्या है, एग्रीकल्चर का स्टेटस क्या है और कैसा पॉपुलेशन वहाँ पर, कितनी आबादियाँ हैं, कितने बच्चे बाहर हैं, कितने बच्चे अंदर हैं, उस पर हम एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। और समय अंतराल में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करें इसको हम अपडेट कर सकते हैं जिससे कि हम तुलना कर सके कि पिछले साल हम कहाँ थे और एक साल के बाद हम कहाँ पर हैं, तो एक बेंचमार्क भी इस्टेब्लिश हो सकता है। उसके बाद हमने यहाँ इंक्लूड किया फैमिलीज को। एक बार हम लोग ऐसे बात कर रहे थे कि किसी भी कारणवश जब हम बिहार छोड़ के बाहर गए हैं और गांव में हमारे कजन रहते हैं, हम बोलते हैं ना ये सब हमारा चाचा है, सब हमारा बाबा है और सब हमारा भतीजा है, तो ऐसे ही बातचीत हो रही थी कि कभी ऐसा संजोग हो कि हमारे बच्चे एक ही ट्रेन से गांव जा रहे हो और करीबन 20 या 25 परिवार के बच्चे जो बाहर आ चुके हैं और एक दूसरे से वो बात करेंगे, इंट्रोडक्शन लेंगे, सब चीज़ करेंगे, गाँव का नाम अगर नहीं बताएंगे और अचानक गाँव पहुँचेंगे तो वो आपस में बोलेंगे तुम भी और तुम भी। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जहाँ कि हम सारे फैमिली को लिस्ट कर सकते हैं कि कौन से लोग हैं वहाँ पे और उनके बच्चे कितने हैं, कौन से बच्चे कहाँ पर हैं, बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, विदेशों में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। उसके बाद में एक हमने
कॉन्सेप्ट यहाँ लाया लोकल कमेटी का, ये फाइनल लॉन्चिंग वेबसाइट नहीं है बिकॉज ऑफ सम प्रोफेशनल रीजन, क्योंकि बाद में वहाँ पे लोग डुप्लीकेसी करें या उसका कुछ क्लोनिंग करें, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ लाया है लोकल कमेटी का। लोकल कमेटी में हम कुछ ऐसे सज्जन को ले सकते हैं जो गांव में प्रबुद्ध लोग हैं, और जो अधिकारी हैं, जो BDO हैं, CO हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको भी हम लोग लोकल कमेटी में अगर प्रोटोकॉल अलाउ करता है तो उनको लिया जा सकता है। उसके बाद में एडवाइजरी बोर्ड है, जिसमें हमारे करीब 700-800 जो हमारे नेटवर्क के शोधकर्ता हैं, जो अभी विदेशों में, देश में बड़े बड़े जगहों पर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में और IT लैब्स में हेड कर रहे हैं, इवन एकेडमिक सेंटर्स में, तो वो सारे लोग जब उन्होंने सुना कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो सारे लोग वॉलंटरली सामने आए और बोले कि मैं आपको इस क्षेत्र में मदद कर सकता हूं। और जब वो सारे लोग आए सामने, तो फिर क्या हुआ कि हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया ऑनलाइन का, और जो वहाँ के जागरण में भी आया कि दूधा मठिया गाँव में ऑनलाइन की सुविधा, क्योंकि हमारे रोजी रोटी के कारण या इस्टेब्लिश के कारण ये हमेशा से संभव नहीं है कि हम जाके गांव में शिफ्ट कर जाएं, आना जाना बना रह सकता है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया और वहां पे एक छोटा सा क्लासरूम कॉन्सेप्ट को भी डेवलप किया गया, जहां की ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड मोड को लेके कुछ बच्चों को जो ऑलरेडी वहाँ पर कोचिंग और ट्यूशन देते हैं, उनको मैंने अडॉप्ट किया और उनको मैंने पढ़ाना शुरू किया। और मेरे जो भी एसोसिएट हैं, जो भी कंट्रीब्यूटर वॉलेंटियर हैं, और ये गांव का क्लासरूम है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे कि एक बड़ा सा 65 इंच का टेलीविज़न डाल के क्लासरूम वगैरह, जो खंडहर हवेली हो गई थी, ठीक है, जहाँ मेरी माँ ने प्रेरणा दिया कि इस खंडहर हवेली को किसी उपयोगिता में ले आओ। तो ये मैंने करीबन वहाँ पे 6000 स्क्वायर फीट जगह को पूरी तरह से कंट्रीब्यूट कर दिया है शिक्षा के व्यवस्था के लिए। और हाल फिलहाल में सम प्रॉब्लम, एनीवे आई विल कंटिन्यू। और चार चीज़ों को हाल फिलहाल में एक और भी बेसिक कंस्ट्रक्शन वहाँ पे मैं कर रहा हूँ, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ केयर सेक्शन, स्मार्ट फिनांस और स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये चार यूज केसेस पे हम लोग वर्कआउट करके इस बेंगलोर चैप्टर को, लेट्स इंस्पायर बिहार के पूरे बिहार के मुहिम को मजबूती से हम लोग योगदान दे सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था उस समय कि यहाँ तक कि आज के डेट में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। देखिए, विविधता की बात यह है, आपको ग्रेजुएट मिल जाएंगे वहाँ पे अनएम्प्लॉयड, लेकिन मजदूर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मजदूर भी देख रहे हैं कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, उद्यमिता नहीं है, तो मैं वहाँ से माइग्रेट करके कहीं पे मजदूरी कर लूँ। लेकिन जो ग्रेजुएट किए हैं और अनस्किल्ड हैं, तो इस शहर में आके वो मजदूरी का भी काम नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि आज असलियत ये है कि सारी चीज़ लगभग नष्ट हो चुकी है, और जब सब नष्ट हो जाता है तो शुरू होता है निर्माण, और इस निर्माण के सहयोगी और सहभागी हम सब बन सकते हैं, और एक गौरवशाली इतिहास लिखने के लिए। आज एक ऐसी आशा के किरण के रूप में एक लाल का जन्म बिहार के बेगूसराय बिहड़ गांव निवासी जगदीश सिंह और श्रीमती रंजना सिंह के सौभाग्यशाली गोद में हुआ, जिन्होंने सन 1957 से 2001 सत्र में IIT कानपुर के मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, और महज 23 साल की उम्र में देश के सर्वोच्च परीक्षा पास करके 2003 में IAS ऑफिसर बन गए। UPSC की मुख्य परीक्षा इन्होंने कठिन विषय मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से दी थी, और उसमें भी इस कठिन विषय के साथ उन्होंने 60th पोजीशन ऑल ओवर इंडिया रैंकिंग प्राप्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वर्ष 2005 जनवरी माह में ये पटना और उनके भागलपुर में SP बने, और आज वहाँ से उनका पदोन्नति 2011 से लेकर 15 तक वे केंद्रीय प्रतिनिधित्व पे थे, जहाँ उन्होंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में SP के पद पर नियुक्त किया गया। 2017 की मई में इन्हें भागलपुर का DIG बनाया गया। उसी वर्ष उन्हें उत्कृष्ट कार्य और बेहतर प्रदर्शन के लिए आंतरिक सुरक्षा पदक से भी सम्मानित किया गया, और इस तरह के कई उपयोगिताएँ और पुरस्कार सर के खाते में है। और
वर्तमान में श्री विकास वैभव जी बिहार होमगार्ड और अग्निशामक सेवा विभाग के आईजी के पद पर स्थापित है। मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले इसी मंच से सर से एक श्री गणेश जी के बाद में इनको निमंत्रण भी देता हूं कि दूधा मठिया गांव में जब ये कॉन्सेप्ट लॉन्च होना हो तो अपने कर कमलों से इसका उद्घाटन करें, ये वादा मैं इनसे चाहूँगा। और मैं वाणी को विराम देता हूँ और राजीव जी यहाँ से आगे मंच का संचालन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रभूषण जी और अभिषेक। मैं अभिवादन करूँगा अतिथियों का, माननीय श्री विकास वैभव जी, श्री आलोक रंजन जी, सोनू शर्मा जी, अनुपमा जी, प्रियंका झा जी, चंद्रभूषण जी और अभिषेक जी को कि वो मंच पे आए और दीप प्रज्वलन के लिए। मंच पे आमंत्रित करूंगा सरस्वती बनना के लिए। आप सभी को प्रणाम करती हूँ, आदरणीय वैभव सर को नमस्कार करती हूँ इतने अच्छे अरेंजमेंट करने के लिए, आदरणीय ब्रह्मर्षि सर को प्रणाम करती हूँ और जितने भी हमारे बिहारी भाई यहाँ इकट्ठा हुए हैं आप सभी का आमंत्रण करती हूँ, शुभ स्वागत करती हूँ। और सरस्वती वंदना करने से पहले ये मेरी दोनों बेटियाँ स्तुति करेंगी सरस्वती माँ की, तो आइए। प्रणाम आप सभी को, मैं श्रद्धा और मैं श्रेयसी। आज हम लोग एक श्लोक पढ़ने वाले हैं। सरस्वती महामाई विद्या कमलोचनी विश्व रूपे विशालाक्षी विद्या देही परमेश्वरी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं पुरमे देव सर्वकालेषु सर्वदा। ओम गणगणपते नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंदी प्रचोदयात्। न तद्भासेते सूर्यो न शुशंको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चानि इन्द्रियाणि प्रकृतिश्चानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्च पृथ्क्रामतीश्वरः। गृहीत्वैचानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च। अधिष्ठाय मनुष्याय विषयानुपसेवते। धन्यवाद। धन्यवाद। और विशेषकर मैं वैभव सर से आशीर्वाद चाहूँगी इन दोनों के लिए कि इन दोनों ये दोनों अभी एक 11 साल की है, एक 9 साल की है,
बट एक आईएएस बनना चाहती है और एक आईपीएस बनना चाहती है, तो दोनों को आशीर्वाद प्रदान करें। वो खासकर आपको देखने के लिए आई है, छोटी वाली, कि आईपीएस होते कैसे हैं तो और कैसे बोलते हैं वो। आके प्रणाम कीजिए आप सर को, आशीर्वाद लीजिए। आप जो कहें आप सफल हो, आप सभी से आशीर्वाद। मंच पर मैथिली गीत गावै छी और आई बिहारी सब अपन इकट्ठा भेले था, केओ मगधी छथि, केओ मैथिली छथि, केओ भोजपुर छथि, तऽ सब गोटा एक मिलकर बिहारी बनिकऽ आइ हमसब भेट भेलहुँ हैं। तऽ दू लाइन तब तक ठीक भऽ रहल छै, तब तक हम मैथिलीमे दू लाइन गुनगुना दै छी, जे जय जय भैरव से शुरू कऽ दै छी। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। विद्या की देवी माँ तुमको नमन, विद्या की देवी माँ तुमको नमन, ज्योति जला
सभी सरस्वती माँ के पुत्र बैठे हुए हैं, सब में सरस्वती माँ विद्यमान है। आप सभी का सभी को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद अर्पित करती हूँ, और इतने अच्छे मंच को तैयार करने के लिए वैभव सर को, ब्रह्मर्षि सर को, आप सभी जितने हैं एक एक बन के पूरे एक बिहारी बनेंगे। और जिस सोच से आप लोग एक हुए हैं, आप सभी को शुभकामनाएँ, मंगल कामनाएँ, ढेर सारी प्रणाम। जो गलत होना है वो निश्चित रूप से गलत होगा। आईटी सिटी में आके एंड देन वी आर फेसिंग टेक्निकल ग्लिच, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। बट यू नो, फौज में एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि युद्ध में जब पहली गोली फायर होती है तो पता है कौन कैजुअल्टी होता है? प्लान। बट वी विल नॉट लेट आवर प्लान फेल, सो वी विल प्रोसीड अहेड एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू। मैं अभी अब मंच पे आमंत्रित करूंगा माननीय श्री विकास वैभव जी के आईआईटी के बैचमेट श्री राकेश जी का, कि वो मंच पे आए और दो शब्द।